हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी टाइम। टुडे आई एम हेयर विद क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, दोज चिल्ड्रन हु आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोस ऑफ चैप्टर 1 एज वेल एज चैप्टर 2। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, आज ही जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें और आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन का। तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, चैप्टर 2 की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सब हमने तीनों टॉपिक्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो आप वहाँ से जाके चैनल से ढूंढ सकते हैं और आप उसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि आगे जो ये चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा वो उसके बेसिस पे ही आपको समझ आएगा। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स भी अच्छे से समझ नहीं आएंगे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको लगता है उसका वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो किड्स, आई हैव कवर्ड दीज थ्री टॉपिक्स, फर्स्ट थ्री टॉपिक्स इन लास्ट वीडियो, एलजेब्रिक इक्वेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन, ओके। एंड टुडे वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, ओके। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है चैप्टर हमारा, उसमें हम मेथड्स डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, बट टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली वन मेथड। आज हम एक ही मेथड डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड डिस्कस करने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, सो किड्स, वी आर डिस्कसिंग टुडे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सो व्हेन वेरिएबल इज ऑन वन साइड और ऑन बोथ द साइड्स, ओके, जब भी वेरिएबल चाहे एक साइड हो या दोनों साइड दिए हो, तो उस कंडीशन में लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है फर्स्ट मेथड से, वो हम देखने वाले हैं। वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसे अल्फाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं ए टू जेड, कोई भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू हम अननोन वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो एक अननोन वैल्यूएबल होता है, तो वेरिएबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अभी लीनियर इक्वेशन में, जो इसमें लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे हैं और दोनों साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स आपको मिलते हैं उसको हमको सॉल्व करना है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, आज हम सीखेंगे, ठीक है। सो देखिए, इसमें हमको कोई भी इक्वेशन अगर दी हुई है तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होता है सिंप्लीफाई, फिर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इन स्टेप्स से, ठीक है। इसमें से कोई भी हम स्टेप हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स, जो आपकी दोनों साइड्स होती हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन की, ठीक है बच्चे। इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है, इक्वल का साइन आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसमें इक्वेशन होती है तो उसके जो आपका लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, राइट हैंड पड़ता है तो राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, बीच में इक्वल का साइन लगा होता है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड पर ऐड करना पड़ेगा सेम नंबर, ओके, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग, देन यू विल सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर, ओके, फ्रॉम बोथ द साइड्स। सेम नंबर को दोनों साइड से ही सब्ट्रैक्ट करना है, एक साइड से करेंगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय द सेम नंबर,
और डिवाइड में भी ऐसा ही है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर, ठीक है। तो ये इनमें से आप कुछ भी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो दोनों साइड यूज़ करना है, कहने का मतलब ये है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि ये पूरा जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सो देखो बच्चों, एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं आपको। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जाम्पल है, ये इसमें जो वेरिएबल है वो वन साइड पे ही है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे वेरिएबल दोनों साइड पे है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिखेगा और राइट हैंड साइड पे भी एक्स है ना। बट यहाँ पर इसमें इक्वेशन में आपको एक ही वन साइड पे ही वेरिएबल दिखेगा, वो है वाई। सो वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। वाई इज अननोन, वी डोंट नो व्हाट इज वाई, वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, वी डोंट नो, वी विल फाइंड आउट। सो अकॉर्डिंग टू द मेथड वन वी आर डूइंग दिस, वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, मेथड वन, ठीक है। मेथड वन में क्या होगा, आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर से दोनों साइड करना है। चलिए, तो पहली इक्वेशन है वाई प्लस एट इक्वल्स टू 11, सो हेयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y ओनली। ये सब सॉल्व करना है, प्लस 8 और इक्वल्स टू 11 है ना, इसको सबको खत्म करना है हमको, और सिर्फ खाली y चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो कैसे सॉल्यूशन होगा, देखिए आपको सबसे पहले देखना है कि जो y जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है उसी नंबर को यूज करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे प्लस 8 हो रहा है ना, तो हमको इसको खत्म करना है, प्लस 8 को हमको वैनिश करना है। तो ये क्या होगा, कब कैसे ये खत्म होगा, अगर हम इसमें से माइनस 8 कर दें, ओके बच्चों। तो माइनस 8 मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ द साइड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेथड वन में, कोई भी आप नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड ही करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा y प्लस 8 और राइट हैंड साइड है 11, तो यहाँ पर भी माइनस 8 करना है, इधर भी माइनस 8 करेंगे हम। सो y प्लस 8 माइनस 8 क्या होगा, 8 माइनस 8 जीरो होता है ना, तो जीरो की वैल्यू नहीं होती, ओनली y बचेगा। इधर आपके पास बचेगा 11 माइनस 8 3, सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमको y की वैल्यू मिल गई है, y इज इक्वल टू 3 है, ओके बच्चों। ये मेथड था कि कभी जब इक्वेशन अगर एक ही वेरिएबल एक ही साइड है, वन साइड है ओनली, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे। अब अगर दोनों साइड है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो आपको अच्छे से समझना है। देखो अगर दोनों साइड वेरिएबल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सी इस इन दिस केस वी जस्ट चेक्ड कि वाई के साथ क्या हो रहा है, ऑपरेशन प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने उसका उल्टा किया, ठीक है, उसका रिवर्स किया, प्लस हो रहा है 8 तो माइनस किया है। अगर यहाँ माइनस 8 हो रहा होता तो प्लस 8 करते हैं, क्योंकि इसको ख़त्म करना है। जब आप उसका मतलब रिवर्स में लेंगे तभी वो ख़त्म होगा ना। तो इसी तरह इसमें भी चेक करेंगे 5x/6। अब देखिए, पहले तो हमको ये बाय 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, तो इस 6 को हमको फिनिश करना है, इसको हटाना है, किस तरह। सो हेयर इट इज डिवाइडिंग, है ना, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। डिवाइड का उल्टा हम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 6, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, अगर लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी करना होगा। सो 5x/6 × 6 इक्वल्स टू 6 इंटू, इस पूरे के इंटू में हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2। सो व्हेन यू विल ओपन दिस ब्रैकेट एंड इधर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 5x इक्वल्स टू 6x-12, ठीक है। ये आपको आता ही होगा, बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे ओपन करते हैं। तो ये एक इक्वेशन, फिर से एक इक्वेशन बन गई है ना। अभी फिर से हमको कुछ ना कुछ इसमें से माइनस या प्लस करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, देखो अभी सब्ट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके। तो क्योंकि क्यों किया हमने 6x, देखो ये तो सिंगल है, 5x कुछ नहीं है। अभी यहाँ जैसे 11 था, सिंगल था, यहाँ पर y प्लस 8 था, तो उसमें ही हमने माइनस 8 किया। इधर देखो 6x-12 है ना, तो
तो हमको यहाँ से ही अगर हम 6x को फिनिश करते हैं तो हमारे पास ओनली एक ही 5x बचेगा, है ना। तो हम दोनों साइड -6x कर देंगे, इधर भी और इधर भी, लास्ट में -6x हमने कर दिया। सो 5x -6x इक्वल्स टू 6x -12, ये तो था ही ऑलरेडी, -6x हो गया, है ना। सो 5x -6x होता है -x। ओके, माइनस एक्स कैसे होता है देखो, ये पॉजिटिव है इंटीजर, ये नेगेटिव है। इंटीजर्स आपने क्लास 7 में सीखा होगा। सो 5x -6x, 6 -5 1 होगा, 1x एक्स ही होता है। अभी देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, 6 बड़ा है ना, वो नेगेटिव है, तो माइनस का एक्स आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। अभी 6x -12 -6x, तो -6x से ये वाला 6x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली -12। ओके बच्चों, अगर दोनों साइड माइनस माइनस हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। सो दिस इज अनदर वे टू सॉल्व द इक्वेशन विद मेथड 1 ओनली। इसमें क्या था, दोनों साइड वेरिएबल्स थे, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स था, राइट हैंड साइड पर भी एक्स था, तो ये हम मेथड 1 से दोनों टाइप की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जो मेथड 2 है, वैसे हम सभी पूरे चैप्टर में सभी एक्सरसाइज में मेथड 2 ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इजी पड़ता है, ठीक है। ये हमको सोचना पड़ता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो सेकंड मेथड हम कल डिस्कस करेंगे वो इजी पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में आपको बस यही समझना था कि मेथड 1 हम कैसे यूज़ करेंगे दोनों टाइप की इक्वेशन में, अगर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है या फिर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑन 1 साइड है, अगर वेरिएबल 1 साइड है, और अगर दोनों साइड वेरिएबल है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने आज मेथड 1 से सीखा है, ठीक है। कल आपको मेथड 2 सीखने को मिलेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। कल का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप बनाऊंगी, ठीक है। तो आप कुछ भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर, पूरे सभी एक्सरसाइज उसी पे ही बेस्ड है, मेथड 2 पर, ठीक है। बट मेथड 1 भी आपको समझना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को ये इजी लगता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो इजी लगता है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये ज़्यादा इजी है उससे, तो ये आप कल डिसाइड कर पाएंगे कौन सा इजी है। आपको ये भी मेथड 1 समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप दोनों में से कंपेयर करके चेक करेंगे ना कौन सा इजी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने मेथड 1 ही डिस्कस किया है, कल हम फिर से आएंगे मेथड 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम रियली थैंकफुल दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल। आपको मैं मदद कर पा रही हूँ आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपको चाहिए वो सब मिलेंगे मेरे चैनल पर। सो हम बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद सेकेंड मेथड। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।